सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है गाजर की कांजी। कुछ जगहों पर इसे गाजर का पानी वाला या फिर गाजर का बिना तेल का अचार भी कहा जाता है। नाम जो भी हो लेकिन इसका काम जबरदस्त है। ये खाने को पचाने में मदद करता है और पेट की सफाई करता है। इसका टेस्ट भी बहुत ही चटपटा और मजेदार है। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो गाजर ले ली है और उन्हें धोकर छील लिया है। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबलस्पून राई, जिसका मैंने मिक्सर जार में पीसकर पाउडर बना लिया है। फिर हम लेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सौंफ जिसका भी मैंने पाउडर बना लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काला नमक। मसालों की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम छीली हुई गाजरों को टुकड़ों में काटेंगे। इन्हें हमें लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। गाजर के बीच का ये थोड़ा सा जो येलो पोर्शन होता है, हम इसे निकाल कर फेंक देंगे, इसे यूज नहीं करेंगे। बस इसी तरह से आप सारी गाजरों को लंबे पतले टुकड़ों में काट लीजिए। अब आप इस तरह का एक कांच का जार या फिर चीनी मिट्टी की बर्नी ले लीजिए। आप इसकी जगह मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं। बस ये बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम इसमें पानी भी डालेंगे। अब जो गाजरें हमने काट के रखी थी उसे इस बर्तन में डाल देते हैं। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे कि पिसा हुआ राई पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक और सौंफ पाउडर। अब हम इस बर्तन में पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि सारी गाजरें इसमें अच्छे से डूब जाए। ये लगभग इस बर्तन की 3/4 कैपेसिटी के बराबर ले लीजिए। पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस तरह का एक कॉटन का पतला कपड़ा लेकर इस बर्तन को ढक दीजिए और उस पर धागा या रबर बैंड लगाकर इसे बांध दीजिए। हमें इसे इसी तरह से ढककर 2 से 3 दिन तक धूप में रखना है। इस तरह के कॉटन के कपड़ा लेकर ढकने से इसमें हल्की हल्की हवा जाती रहती है और ये तैयार हो जाता है। यहाँ पर इस साइड व्यू से आप पानी की क्वांटिटी भी देख सकते हैं। तैयार होने के बाद आप इसे 10 से 12 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिन्हें पेट की तकलीफ रहती है तो आप उन्हें भी ये बनाकर खिलाइए, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। 4 दिन हो चुके हैं। इसके बाद आप इसे इस तरह से कटोरी में डालकर दिन में कम से कम एक बार खुद खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।